वायनाड और रायबरेली में राहुल कहां? क्या लोकसभा जा पाएंगे राहुल गांधी? पुश्तैनी सीट पर कांग्रेस की क्या है स्थिति? वायनाड की जनता ने 24 के रण में किसका दिया साथ? 24 के रण में कौन बाजी मारेगा, इसके लिए सिर्फ अब एक दिन का इंतजार बाकी है। 4 जून की सुबह से ही जनता का फैसला जनता के सामने और माननीयों के सामने आने लगेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा हॉट सीटों में से वायनाड और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी नजरें टिकी हुई हैं। ये दोनों ही सीट राहुल गांधी की राजनीतिक करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में बीजेपी ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस की पारंपरिक सीट वापस ले ली, क्या वैसा ही कुछ रायबरेली में भी बीजेपी कर पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और जिस तरह 2019 में वायनाड की जनता ने राहुल गांधी का साथ दिया, क्या वैसा ही 2024 में भी दिया है? 1 जून की शाम से ही अलग अलग एग्जिट पोल सीटों पर जीत और हार का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जिन दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उस पर कहां आगे हैं और कहां पीछे, ये समझना बेहद जरूरी है। एक केरल की वायनाड तो दूसरा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, ये दोनों ही हॉट सीटों में शामिल हैं। इन दोनों सीटों पर एग्जिट पोल के हिसाब से राहुल गांधी की जीत को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है। वायनाड सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन के बीच है। अलग अलग एग्जिट पोल के मुताबिक वायनाड सीट पर राहुल गांधी चुनाव जीत सकते हैं। एनी राजा के सुरेंद्रन पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने यहां 4.31 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को भी हराया था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी को बढ़त हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वो यहां बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह को पछाड़ते हुए दिखते हैं। रायबरेली सीट पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है। सोनिया गांधी यहां से लगातार 3 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। इस बार उन्होंने यहां से दावेदारी छोड़ दी और राजस्थान से राज्यसभा चली गई, जिसके बाद राहुल गांधी को नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशी घोषित किया गया। इस सीट के 72 साल के इतिहास में 66 साल कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। इस सीट से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण गांधी और सोनिया गांधी जीत कर संसद पहुंची थी। ऐसे में इस पुश्तैनी जमीन को कांग्रेस और राहुल गांधी को जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। वहीं बीजेपी अमेठी जैसा कमाल रायबरेली में करने की उम्मीद लगाए बैठी है। रायबरेली लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच मुकाबला है। बस अब कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन किस सीट पर बाजी मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।